अलवर राजगढ़ में गौरव पथ का निर्माण कराए जाने और गोल चौराहे से गोल मार्केट से सराय बाजार की सड़कों को चौड़ा करने के लिए प्रशासन की ओर से मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया, जिसकी जिला न्यायालय अभिभाषक संघ के सचिव जितेंद्र शर्मा ने कड़ी निंदा की और उन्होंने उनके नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने राजस्थान के राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। अधिवक्ताओं ने जिले के राजगढ़ में गौरव पथ बनाने की आड़ में की गई तोड़फोड़ की कड़े शब्दों में निंदा की। संघ के सचिव जितेंद्र शर्मा ने कहा कि राजगढ़ में प्रशासन ने सभी नियम कायदे कानूनों को तोड़ते हुए जो कार्यवाही की है वह पूर्णतः गलत है। सैकड़ों परिवार आज बेघर और बेरोजगार हो गए हैं। पूर्व के दो साल कोरोना के कारण और अब प्रशासन की इस कार्यवाही से लोगों को भारी पीड़ा हुई है। शर्मा ने प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ने के दौरान जिन मर्यादाओं की अवहेलना की गई उनका जिक्र करते हुए नगरपालिका ईओ, एसडीएम तथा थानाधिकारी सहित जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी सजा मिलने की मांग की है। 17/4/2022 को जिस प्रकार राजगढ़ के अंदर तुगलकी फरमान के अनुसार जिस प्रकार लोग बागों के आसियाने उजाड़े गए, घर तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, कोविड का समय लोग बाग ऑलरेडी 19, 20, 21 तीन साल ऐसे रहे पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर की लोग बाग आर्थिक तंगी से जूझते रहे, परिवार के अंदर जनहानियां भी हुई। इस परिस्थितियों के अंदर राजगढ़ के अंदर जिस तरह तुगलकी फरमान के अनुसार नगर पालिका के द्वारा सीओ, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, इन सबों ने मिलकर वहाँ नंगा नाच नाचा है, जिस प्रकार मकान तोड़ा है, दुकानें तोड़ी हैं और यहाँ तक 300 साल पुराने प्राचीन शिव मंदिर, भगवान हमारी आत्मा में बसता है, हमारी आस्था है, बिना भगवान बिना आस्था के हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति नहीं रह सकता। हमारी आत्मा पर हमारी आस्था पर उन्होंने हथौड़ी आरियां चलाई हैं, मंदिरों को खंडित किया है। हम सबों की आत्मा झकझोर देने वाली घटना थी। इस प्रकार तुगलकी फरमान के द्वारा जिस प्रकार वहाँ जेसीबी चलाई गई, फावड़े चलाए गए, हथौड़ी चलाई गई, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। देश संविधान और कानून से चलेगा, न्याय प्रक्रिया से चलेगा। अपनी मनमानी से न्यायिक अधिकारियों की जांच बैठनी चाहिए इसके अंदर। जो अधिकारी अफसर, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो सीओ हो पुलिस का अधिकारी, चाहे वो एसएचओ हो, चाहे कोई चेयरमैन हो नगर पालिका का, चाहे सीओ हो, उन सबों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अब तक सूचना मिली है, परिवाद किया गया है, मैं कह रहा हूँ परिवाद नहीं, इसके अंदर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उसके उपलक्ष्य में माननीय राज्यपाल महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार को, हम सभी अधिवक्ताओं ने अपने हस्ताक्षर ज्ञापन दिया गया है। वकील समुदाय उद्दलित है, इस प्रकार की घटनाएं सहन नहीं करेगा।